राजस्थान विधानसभा चुनावों में 3 सीटें जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीएपी अब लोकसभा चुनावों में भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के प्रमुख विधायक ने साफ कर दिया है कि बीएपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। भारत आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार राउत ने पार्टी के कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के चर्चाओं को खारिज कर दिया है। राजकुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन खुद ही लड़खड़ा रहा है, उनके नेताओं में ही अभी तक सामंजस्य नहीं है। प्रदेश में भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में स्थिति साफ नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात होती तो ये विधानसभा चुनावों में ही हो जाता, लेकिन ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव आया, ना ही हमारा कोई इरादा है। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनावों में क्षेत्र की जनता ने हमारे 3 विधायक चुन कर दिए हैं। अभी हमारी पार्टी प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनावों में भी हम डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर की सीट जीतने में कामयाब होंगे। गौरतलब है कि बीटीपी से टूटकर अलग होने के बाद बीएपी ने पहली बार विधानसभा चुनावों में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। डूंगरपुर जिले की 84 सीट से 111,000 से ज्यादा वोट से राजकुमार राउत ने जीत हासिल की, जबकि आसपुरा विधानसभा सीट पर उमेश दामोद जीते। यहां पहले भाजपा का कब्जा था, जबकि प्रतापगढ़ जिले के धरियावास सीट पर भी बीएपी का विधायक जीतकर आए हैं। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बीएपी दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।